त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायने प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायण 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 पूज्य बापू की भाव दिव्यता परंपरा सम्मान को वंदन नमन सभी उपस्थित पूज्य संत विद्वत चरणों में वंदन नमन। वस्तुतः बड़ा आनंद हो रहा था सुनने में। कभी कभी जब इस ढंग का वातावरण होता है कि सब महापुरुष अपने अपने भाव चिंतन अपने अपने अध्ययन को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं या परोस रहे होते हैं तो वास्तव में लगता है कि अपने राष्ट्र में कहाँ कहाँ कैसी कैसी किस किस प्रकार की निधि है। निश्चित रूप से सब राष्ट्र की निधि है जो अपना अपना चिंतन प्रारंभ में जब हमारे बाल व्यास जी बोल रहे थे हम परिपक्व भाव से बोल रहे थे और आदरणीय देवी जी और सभी महापुरुष सबका वास्तव में बहुत सरस भी और बहुत प्रेरक भाव भी। सार रूप में जो भी समापन पे महापुरुषों के द्वारा एक बात आई क्योंकि ये आयोजन ये उत्सव पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती के उपलक्ष्य में है प्रतिवर्ष होता है। एक बात आई कि पूज्यपाद गोस्वामी जी उस समय आए जब कहीं ना कहीं परंपराओं का लोप कई रूपों में देखा जा रहा था। वैसे एक बात बहुत बार विचार में आती है कि अपने राष्ट्र ने एक लंबा कालखंड परतंत्रता और उस प्रतंत्रता में भी
उस पराधीनता में भी अनेक विकट, अनेक जटिल समस्याओं का एक लंबा कालखंड अपनी भारत धारा ने देखा है। लेकिन एक संतोष की बात ये रही, जिस कारण से आज भी हम अपनी परंपराओं में जी पा रहे हैं, वह यह कि भारत धरा ने ऐसा कोई समय शायद नहीं देखा जब ये धरा संतों से वंचित हुई हो। प्रारंभ से लेकर देखें, ऐसे ऐसे तपस्वी, मनस्वी संत विचार जब करते हैं, जब कभी अध्ययन करते हैं, जब कभी देखते हैं भारत की संत परंपरा को, तो लगता है कितनी समृद्ध परंपरा रही है, कितनी दिव्य परंपरा रही है भारत की यह संत परंपरा। और यही वह कारण है जिस कारण से विश्व में हम देखें कुछ कुछ समय की प्राधीनता ने वहां की परंपराओं को पूरी तरह समाप्त कर डाला, नष्ट प्राय कर दिया। वो अपनी परंपराओं में आज बहुत से देश हैं, विस्तार की बात नहीं है, लेकिन इतना लंबा कालखंड और इतनी विकटताएं, लेकिन तो भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री राम कथा का सौभाग्य पूरे देश में खुले रूप में जाकर प्राप्त किया जा रहा है। हमारी त्योहार परंपराएं, अवतार परंपराएं, तीर्थ परंपराएं आज भी एक प्रेरणा बनी हुई है। आज भी हम उस भाव के साथ जी रहे हैं। इसमें निश्चित और निश्चित एक ही कारण दिखता है, वो है कि इस देश में इस तरह ने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब ये संतों के तप से वंचित हुई हो। और उस परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक अद्भुत नाम, क्यों नाम ही नहीं भाव दिखे। अभी पूज्य महाराज श्री से सुन रहे थे द्वादश ग्रंथ की बात, उनके द्वारा जो प्रकट किए गए, कितना अद्भुत भाव। और श्री रामचरित मानस की रचना करते हुए हमने कई बार इस शब्द पर विचार किया, जो ये कहते हैं कि मैं तो केवल अपने सुख के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं किसी को सुख देने के लिए ये रचना नहीं कर रहा, ये नहीं बात कर रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए कर रहा। वहां एक विचार उठता है, स्वाभाविक है, कि क्या इसे स्वार्थ तो नहीं कहा जाएगा जब ये कोई कहे कि मैं तो केवल अपने सुख की बात कर रहा हूं, मैं तो केवल अपने सुख के लिए ये कार्य कर रहा हूं, तो क्या ये स्वार्थ पर स्थिति नहीं कही जाए? नहीं, ऐसा नहीं, ये परम परमार्थ है। जब सुख कहीं से केवल पाने के लिए विषयों से, जब बाहर के पदार्थों से सुख पाने की बात आती है, जब केवल लौकिक, केवल भौतिक विषयों के सुख की बात आती है कि बस मेरा सुख सुरक्षित रहे, किसी को असुविधा होती है हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वह एक पक्ष है। लेकिन यहां जो सुख की बात है, यहां सुख की बात है राघव के चरित्रों के साथ जुड़ी है, ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ी है। और ईश्वरीय भाव से जो सुख मिलता है वो वास्तव में अगाध होता है, वो अपार होता है। वो भले ही कोई महापुरुष कहे कि मैं तो अपने आनंद के लिए भजन कर रहा, मैं तो केवल अपने सुख के लिए ये सत्संग कर रहा, मैं अपने सुख के लिए राम कथा कह रहा हूं, भागवत कथा कह रहा हूं, वो भले ही कहें,
लेकिन वस्तुतः क्योंकि वो विराट सत्ता है, विराट से मिलने वाला सुख कभी अपने तक सीमित नहीं रह सकता। महापुरुषों ने भले ही आत्मन्येवात्मना तुष्टः अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहने का भाव आनंद पाया भगवद गीता के भाव से, स्वयं से स्वयं में संतुष्टि, स्वयं से स्वयं में आनंद। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी से ही यदि यह पूछा जाए कि सैकड़ों वर्ष हो जाने पर भी आज भी एक सामान्य कुटिया, सामान्य झोंपड़ी से लेकर के बड़े बड़े राजमहलों तक श्री रामचरित मानस गा करके, श्री रामचरित मानस के पाठ करके, श्री रामचरित मानस की चर्चा करके, श्री रामचरित मानस पर चिंतन करके, श्री रामचरित मानस पर आगे कथा व्याख्यान करके हजारों नहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग अपनी नीरसता दूर कर रहे हैं, सुख पा रहे हैं। अगर पूछे उन महापुरुष से कोई कि आपने तो अपने सुख के लिए केवल रचना की है, लेकिन क्या आप लाखों करोड़ों लोगों को और सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी क्या उसमें से सुख पाने से रोक पा रहे हो, या रुक पाएगा वो, या रुकने वाली स्थिति है वो? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। एक बात जो निष्कर्ष में आई कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, ये जो बात है ये सार में अंतिम मानस की चौपाई भी यही है, ताही भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। सार तो निश्चित रूप से एक ही है, अध्ययन करें, जप करें, तप करें, पाठ करें, कुछ भी करें, जितनी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, जितने अनुष्ठान हैं, जितनी कल्याण पथ पर आगे ले जाने वाले जितने साधन हैं, उन सब का सार तो केवल और केवल एक ही है, मामेकम शरणम व्रज, मनमना भव। भगवान गोविंद इसीलिए तो कहते हैं कि पार्थ अब बहुत हो गया, अब कह भी बहुत लिया, तूने सुन भी बहुत लिया, बहुत चर्चा भी हो गई, लेकिन अब तो सार की बात एक। और यहां आकर भगवान कृष्ण के द्वारा दिया जाने वाला गीता उपदेश, उपदेश के भाव से श्री भगवान वाच यहीं तक है। उसके पश्चात तो कथा गीता उपदेश सुनने का क्या लाभ है, पढ़ने का क्या लाभ है, दूसरों तक पहुंचाने की क्या स्थिति है, वह सब है उसके पश्चात। और फिर अर्जुन से प्रश्न, और फिर अर्जुन के द्वारा उत्तर, और संजय का आह्लाद गीता श्रवण के पश्चात। लेकिन समापन का भाव, पार्थ अब सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज, अब सब छोड़ पार्थ, जो भी है, जो साधन कर्म भक्ति ज्ञान लौकिक रूप में देखें, मैं मेरा तेरा, ये वृत्तियां जो जन्म जन्मांतरों से जिनमें हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, और वहीं से सुख प्राप्ति की आशा किए जा रहे हैं, सुख की आशा में दुख भी पा रहे हैं, लेकिन तो भी पथिक जी महाराज का एक गीत, सुख के लिए लाखों दुख पाए, बड़ा प्रसिद्ध उनकी प्रार्थना है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर यह दिन अभी तक यूं ही बिताए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न। तो सुख के अपेक्षा करते करते दुख भी प्राप्त करते हैं, उसमें भी तर्क है, कारण है कि जहां से हम सुख पाना चाह रहे हैं जीवन में, है तो एक ही बात ना, कि जीवन में आनंद प्राप्ति हो जाए, सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात,
सबकी एक ही अपेक्षा, एक ही आशा कि जीवन में सुख ही सुख हो, किसी भी प्रकार से हो। लेकिन एक दिशा भ्रम अज्ञान के कारण से कि वह सुख हम संसार में, परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में, रिश्तेदार में या विषय पदार्थों में वहीं तक ढूंढते चले आ रहे हैं। संसार के सुख की एक बहुत विचारणीय स्थिति है कि संसार से जो भी सुख मिलता है वो किसी पदार्थ से नहीं मिलता, किसी वस्तु से नहीं मिलता, कहीं से नहीं। वो मिलता है, कोई कुछ प्राप्त कर भी दिया लेकिन उसकी अनुकूलता है तो सुख है। अब विचारें, संतान का होना ही सुख है क्या? शायद आप कहेंगे नहीं, क्योंकि संतान है लेकिन अनुकूल नहीं है तो वो सुख का कारण होगी या दुख का कारण होगी? विचार की बात, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। है लेकिन अनुकूल नहीं है तो सुख नहीं होगा। और संसार में यह क्रम चलता रहता है क्योंकि संसार में कभी भी, कहीं भी, कुछ भी, किसी के भी सदा अनुकूल रहा नहीं, रहता नहीं, रह सकता नहीं। और इसीलिए संसार में यह सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब जीव सुखी बीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक कहूं बाधा, जहां बिल्कुल एक अगाध अपार विराट सत्ता, जहां वहां मन लगता है, वहां की शरण ग्रहण कर ली जाती है, वहां निश्चित ऐसा आनंद, क्योंकि वह स्वयं आनंद स्वरूप है। और ऐसा आनंद जिसका कोई विलोम नहीं, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, शाश्वत, एक रूप, एक रस, अखंड आनंद जहां से प्राप्त होता है, महापुरुष वहां अपना चित्त पूर्णतया एकाग्र कर लेते हैं और इसीलिए शाश्वत सुख पा लेते हैं। एक छोटी सी बात और आती है कि जब ईश्वरीय शरण ले ली जाए तो जिमि हरि शरण न एक कहूं बाधा, तो तब कोई बाधा क्या उत्पन्न ही नहीं होती? देखो, लौकिक रूप में बाधाएं, परिवर्तन वो तो रहते हैं, सदैव से हैं। स्वयं भगवान इस तरह पर आए, परिवर्तन तो वहां भी रहे, निश्चित परिस्थितियों के परिवर्तन वहां भी देखे गए। प्यारे राघव का चरित्र देखें, सुनते हैं आप, पढ़ते हैं आप कि कहां एक और राज्याभिषेक की बात है। अब परिस्थितियों की का कितना एक कठोरतम परिवर्तन, कहां राज्य की बात है रात्रि में, और प्रातःकाल भोर होते होते राज्य नहीं, 14 वर्ष का वनवास। लेकिन वहां भी मन मुस्काही, भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। उन स्थितियों में भी ये समत्वम योग उच्चते गीता का, मन की सम अवस्था, स्थिर अवस्था, उसका नाम योग है। और भगवद गीता में, पूज्य बापू, गीता योग को जो परिभाषित किया गया, जैसे जिमि हरि शरण न एक हूं बाधा, भगवान गोविंद ने कहा कि योग क्या है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये नहीं कहा कि दुख संयोग दुख वियोगम योग संगीत, दुख संयोग वियोगम योग संगीत, कि दुखों का संयोग तो हो सकता है परिस्थितियों के परिवर्तन के रूप में, लेकिन योग का प्रभाव यह होगा कि संयोग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा, और संयोग का प्रभाव पड़ने से पूर्व ही उससे पहले ही उसका वियोग करवा देगा योग। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक आनंद की स्थिति, स्वाभाविक आनंद की स्थिति। तो महापुरुष
जब उस विराट से एक होकर एकाकारिता प्राप्त करके उस विराट आनंद का अनुभव करते हैं, वहां वो भले ही स्वयं कहें कि आत्मन्येवात्मना तुष्टा की स्थिति, और हम देखें महापुरुषों के जीवन, ऐसे ऐसे अद्भुत उदाहरण आते हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत उदाहरण कि लगता है कि आनंद जीवन में, ऐसा आनंद भी अनुभव किया जा सकता है क्या, कि हम लोग क्षणिक सुखों के लिए कितना श्रम करते हैं, कितना व्यय कर देते हैं क्षणिक सुखों के लिए, कि लेकिन क्या इसी जीवन में ऐसा भी आनंद पाया जा सकता है क्या। स्वामीराम तीर्थ अमेरिका में जब थे, राष्ट्रपति आए मिलने के लिए, तो ये एक मर्यादा, एक भाव। अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और ये हमें लगता है कि एक बहुत बड़े गौरव की बात है, जिस देश ने लगभग 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर राज्य किया हो, आज वहां का प्रधानमंत्री यदि खुले शब्दों में व्यासपीठ के समक्ष ये खड़ा होकर ये कहे कि मैं हिंदू हूं और हिंदू परंपराओं को प्रणाम करने के लिए यहां व्यासपीठ को प्रणाम के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूं, और कितनी सहजता से वो व्यक्ति किस प्रकार से व्यासपीठ को प्रणाम करके किस प्रकार से वहां एक सामान्य सहज श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं, यह है गौरव भारत का, यह है एक दिव्यता संत की। स्वामीराम तीर्थ के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति आए, स्वाभाविक झूला झूल रहे थे, उसी आनंद में रहे, वो सामने खड़े हैं, कहा अपने अंगरक्षक को कि इस हिमालयन संत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति मैं नहीं, जैसे राष्ट्रपति यही हो, मैं सामने खड़ा, और ये अपने आनंद में। और तब राम हंस पड़ते हैं और हंसकर कहते हैं कि राम केवल अमेरिका का बादशाह नहीं, राम तो सातों द्वीपों का बादशाह है, शहनशाह दुनिया के हैं, मोहरे मेरे शतरंज के, दिल लगी की चाल है सब रंग सुलह जंग के, शहनशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरे शतरंज। ये स्वामीराम तीर्थ उस समय ये क्या है, स्वाभाविक मस्ती, स्वाभाविक आनंद, और ये कहां से, उस विराट के साथ। जब ये स्थिति आती है कि ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई, लौकिक स्थिति हो, आनंद की स्थिति हो, और या फिर अभी महापुरुषों से हमने श्रवण किया कि कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद, जीवन काल में आनंद और उसके पश्चात परमानंद देखा जा रहा है पहले से ही कि वहां परम आनंद होगा। तो ये स्थिति जो है, ये निश्चित रूप से यहां बैठ करके जब हम ऐसे आयोजनों में बैठते हैं, श्री राम कथा में बैठते हैं और श्रवण करते हैं, कहीं ना कहीं ये तो सत्य है कि तत्व के रूप में आनंद और प्रेम ये तो हम सबके भीतर है ही है, निश्चित है, अंश उसके हैं तो निश्चित है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सहज तो हैं, जब उसके अंश उसके हैं तो कहीं ना कहीं आनंद तत्व रूप में तो भीतर हम सबके पास है, पर लुप्त हो गया है, कहीं ना कहीं लुप्त सुप्त गुप्त, ये मल विक्षेप आवरण या विषयाकर्षण जो है, ये कहीं ना कहीं जो वृत्ति की सो मायावश भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, तपते जीव भयो संसारी, छूटे न बंध न हो सुखारी, तो बंधन तो वही है कि दिशा भ्रम हो गया कहीं ना कहीं, वरना आनंद तो है। और ये जो प्यार चलती है कहीं कथा की, कहीं कथा में कीर्तन की, कहीं ऐसे भावों के, ये भीतर के आवरणों को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करती है, जैसे सूर्य से
अंतिम बात, एक प्रश्न आता है प्राय कि परमात्मा साधन साध्य हैं या कृपा साध्य है, ये कई बार चर्चा आती है, और जब उत्तर एक ही मिलता है कि कृपा साध्य है, तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भक्त भक्त उरचंदन, सुई जाने जेह देह जनाई, जान तुम ही हो जा। तो जब ये बात है कि तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान भक्त भक्त उरचंदन, तब साधन का औचित्य ही क्या रह जाता है, करें ही क्यों फिर ये यज्ञ दान तपाकर्म ना त्याज्यम, क्यों ऐसा ये छोड़ो भी नहीं। और पूज्य डोंगरे जी महाराज, तुमने एक बार शुक तीर्थ में, संभवतः उनका अंतिम कथा थी, उन्होंने एक बात वहां कही, वो अब तक पूज्य बापू की एक बात हमें 1986 की स्मरण है, कनखल में कथा थी और कई वाक्य उस समय हम केवल एकांत में से बस कहीं निकल के पीछे बैठते थे, तो कुछ वाक्य तब के भी स्मरण हूँ। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज ने एक बात कही है कि जीवन के अंतिम क्षण तक भी इस मन का विश्वास लेकर ना चलो, कभी भी स्वयं को उस अवस्था में, हाँ अवस्था बने प्रयास चलते रहना चाहिए, लेकिन कभी भी नाम स्मरण छूटे नहीं, कभी भी वहां से वृत्ति, बस सजगता ये बनी रहे अंतिम क्षण तक, किसी भी अवस्था में पहुंचकर भी इस मन का विश्वास। तो लगता है कि ये फिर साधन किए ही क्यों जाएं, जब तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन है, तो फिर यह भगवान कहते हैं पार्थ तो इस दृष्टि से नहीं मुझे देख पाएगा, वो तो मैं ही दृष्टि दूंगा, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, तभी देख पाएगा, उससे पूर्व नहीं, तो तब साधन क्यों। हमें लगता है देखो कि जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, हवा चलती है, बादल छिन्न भिन्न होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, हवाएं ऐसा तो नहीं कह सकती कि सूर्य को हमने प्रकट किया, ये नहीं कह सकती हवाएं, क्योंकि सूर्य तो प्रकट है। पूज्य शरणानंद जी महाराज के कैसा कि परमात्मा ईश्वर अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, वो तो प्राप्त की प्राप्ति है, केवल वो तो प्राप्त है हमें। तो सूर्य पहले से प्रकट है, हवाओं ने क्या काम किया, आगे आए हुए बादलों को छिन्न भिन्न किया, हटाया और सूर्य का प्रकाश सामने आ गया। बिल्कुल यही स्थिति, ये साधन प्रकट नहीं करेंगे परमात्मा को, लेकिन साधन इतना काम तो करेंगे ही, ये मल विक्षेप आवरण जो आगे आ गए हैं, साधन इनको तो हटाएंगे ही हटाएंगे, ताकि वो सूर्य जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वरूप है, और जो हमारी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा अपेक्षा और एक स्वाभाविक सी मांग है, वो मांग की पूर्ति स्वाभाविक करने में सहायक होंगे उन आवरणों को हटा करके, और तब स्वाभाविक वो स्थिति मामेकम शरणम ब्रज की हो ही जाएगी। तो निश्चित यहाँ प्रथम बार आना हुआ, आनंद हुआ वातावरण को देखकर, और पूज्य बापू तो परंपराओं का सम्मान, व्यासपीठ हो या श्रोता के रूप में भी हो, व्यासपीठ पर वक्ता के रूप में हो या समक्ष श्रोता के रूप में हो या संत परंपरा तीर्थ परंपरा, उसका सम्मान और उसी का परिचायक अभी यह द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, और यात्रा में प्रतिदिन आसान काम तो नहीं था, लेकिन जब जापर कृपा राम की हुई, वो कृपा कर दे तो फिर कुछ
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम भी हो तो जब एक संकल्प हो जाता है, लक्ष्य अच्छा हो, भाव सच्चा हो, विश्वास पक्का हो, तो कृपा दूर जा ही नहीं सकती। कृपा तो निश्चित साथ हो ही लेती है। और उस कृपा का ही एक चमत्कृत स्वरूप था कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और उसमें नित्य प्रति कथा का क्रम, ढेरों प्रतिकूलताओं के साथ उन प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का अनुभव करते हुए इस प्रकार परंपराओं का सम्मान जो पूज्य बापू का स्वभाव है, पूज्य बापू के उस भाव को हम सब भी स्वीकार करते हुए, बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि परंपराओं के प्रति सम्मान आने वाली जनरेशन में भी बना रहे। उसी का एक सबल उदाहरण यहाँ और पूज्य बापू जी के प्रत्येक भाव के साथ देखा जा रहा है। हृदय से वंदन नमन इस भाव को समस्त पूज्य संत विद्वत चरणों को और आप सबको। जय श्री कृष्ण, जय सियाराम।